में मुनावर फारूकी जीत चुके हैं, तो क्या कहना चाहोगे उसको लेके? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मुनव्वर के जीतने से ज्यादा मुझे अभिषेक की हारने की ज्यादा खुशी है। क्यों? क्योंकि इतने लोग, मतलब जिन्होंने शो के अंदर इतनी गलतियां करी, अपना इतना गंदा करेक्टर दिखाया, वो मतलब फाइनल्स पर आ गए, वो मुझे मतलब बात हजम ही नहीं हो रही है। एक वुमन चीटर था और एक वुमन बीटर था, स्टिल दे वन द शो एंड दे आर इन फाइनल्स। इट्स ओके, बट लाइक मुनव्वर स्टिल फाइन बिकॉज उसने कभी किसी बड़े के साथ बदतमीजी नहीं करी, चाहे वो अंकिता लोखंडे हो चाहे वो विक्की जैन हो। लेकिन अभिषेक ने तो मतलब बहुत बदतमीजी करी है लोगों के साथ, चाहे वो विक्की हो चाहे वो अंकिता हो। सो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती। अगर मैं किसी को अंकिता जी बोल रहा हूँ तो मैं अंकिता तू पे कभी भी नहीं आऊँगा, चाहे मेरी कितनी भी लड़ाई या झगड़े हो जाए। सो इसलिए मतलब मुझे वो फेयर नहीं लगा, बाकी सब ठीक है, इट्स ओके, आई एम हैप्पी फॉर द मुनव्वर। लेकिन आपने कई सारे बड़े सा क्वेश्चन रेज किए, आपने कहा है कि विमेन चीटर मुनव्वर फारूकी को, किस बेस में आप मुनव्वर फारूकी को विमेन चीटर कह रहे हैं? वो तो शो के अंदर प्रूव ही हो गया था ना, अब मतलब वो तो सब पूरी दुनिया को पता था, मतलब मैं तो उस बारे में क्या ही बोलूँ। वो टैग तो मीडिया ने ही उन्हें दिया है, और देखो मैं तो खुद एक प्ले बॉय की इमेज है मेरे इंस्टाग्राम पे, विच यू ऑल कैन सी, बट येस आई डोंट थिंक सो कि रियल लाइफ में मेरी वैसी कोई इमेज है, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन इन माई रियल लाइफ। बट उनका तो वो रियल लाइफ का मुद्दा सामने निकल के आया है, वो भी सबके सामने, एंड यू गाइस नो बेटर, डोंट पुट दैट ब्लेम ऑन मी। बट या स्टिल मतलब मेरे को लगा इस गेम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेला विद अ डिसेंट एंड डिग्निटी। लेकिन अगर हम बात करें मुनव्वर फारूकी की, एक आयशा खान थी उनके ज़िंदगी में, नाजिला थी, नाजिला खुद लाइव आकर कहती है कि जब वो मेरे साथ रिलेशनशिप में थे और कई सारे विमेन उनके साथ थे, क्या कहना चाहोगे? इसने कई सारे उनको विमेनाइजर का भी टैग दिया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? क्या ये सही टैग है विमेनाइजर? आई थिंक अगर वो टैग सही नहीं है तो मुनव्वर अभी जीत चुके हैं शो, और उन्हें वो बाहर आके वो टैग को खुद पे से हटाना चाहिए, और जब तक वो खुद नहीं वो बातों के बारे में बताएंगे, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बिलीव करेगा। बिकॉज अगर मेरे ऊपर भी कोई ब्लेम लगता है तो उसे खुद मैं ही साफ कर सकता हूँ, नो वन कैन यू नो क्लियर इट। सो एंड आई थिंक वो बहुत अच्छे इंसान है और दिल से खेलते हैं, और उन्होंने बहुत तरीके से साफ सफाई कर दी है अपनी वुमनाइजर टैग की। एंड कैसे कैसे किया, क्योंकि ऑलरेडी आयशा भी बोल रही है कि उनके कई सारे रिलेशनशिप थे, नाजिला ने कहा एक डिवोर्स हुआ है जिसके उनके साथ बच्चा है, अंजलि अरोरा ने भी कहा है कि उनकी ये आदत है, और ही नो हाउ टू प्ले विद वर्ड्स एंड गेम, ये आदत है। और एक आयशा है, ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जो मुनव्वर के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो शो के अंदर थे मुनव्वर जी, और तो काफ़ी लोगों को एक वो मौका मिल गया था बातें बोलने का, बट आफ्टर ऑल दिस मैं बहुत खुश हूँ कि मुनव्वर ने जो अपनी ट्रॉफी है वो अपने बेटे के हाथ में रखी, तो वो पिक्चर देख के मतलब मुझे इतनी खुशी मिली कि लाइक फाइनली ही इज़ विद हिज सन, और अपनी बीवी से वो ऑफकोर्स मिले हैं बाहर आने के बाद, तो वो मोमेंट देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि किससे मिले, आई थिंक वो अपनी बीवी से मिले हैं बाहर आने के बाद। आपको कैसा पता, मतलब आई सॉ द पिक्चर ऑन सोशल मीडिया विद हिज सन, उन्होंने वो ट्रॉफी पकड़ी हुई थी अपने बच्चे। तो वाइफ तो नहीं रहती उनके साथ? ऑफ कोर्स अगर बच्चे से मिलोगे तो वाइफ से भी मिलेंगे। नहीं नहीं, कस्टडी उनके पास है ना बच्चे की। ओ ओ ओके ओके ओके, देन आई एम हैप्पी फॉर द सन। ओके, लेकिन क्या कहना चाहोगे आप, दूसरी जगह एक विमेन बीटर था अभिषेक, जो महिलाओं को मारता था। मैंने उसका जब वो शो में थे अभिषेक जी ना उनका साथ तब दिया था, अभी वो शो से बाहर आ चुके तब भी मैं उनका साथ नहीं दूंगा, और कहीं वो मुझे मिले तब भी मैं उनका साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बिकॉज मेरी नज़र में वो रॉन्ग थे, रॉन्ग है, रॉन्ग रहेंगे। क्यों क्यों ऐसा क्यों, मतलब अभी ईशा भी आपको बोल रही है ना कि लाइक ही सो फेक, और अगर वो मेरे लिए रो रहा था और मुझसे इतना सच्चा प्यार करता तो मेरी इतनी धज्जियाँ क्यों उड़ाई, मेरी इतनी बेइज्जती क्यों करी, मेरी पर्सनल बातों को इतना उड़ाया क्यों, और अगर मेरे बारे में इतना बुरा भला उसने शो में बोला ही था तो फिर रोके क्यों दिखा रहा था लोगों को, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ वेरी फेक। लेकिन क्या आप बहुत बड़े स्टेटमेंट, वो तो ईशा के साथ किया लेकिन आप उनके साथ कोई भी वेंचर नहीं करना चाहते, क्या कारण है? नो बिकॉज आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ पीपल, मुझे बहुत ही सच्चे और क्लियर लोग पसंद है, मैं भी बहुत ब्लंट हूँ, एंड आई एम मैं खुद भी एक खुली किताब की तरह हूँ, जो है जैसा है वैसा है, और वो मेरे इंस्टाग्राम से भी दिखता होगा लोगों को कि मतलब बंदा जैसा है क्लियर है, तो मुझे वो जो फेक पर्सनालिटीज होते हैं ना मुझे उनसे एक अलग ही चिढ़ हो जाती है। ऐसा क्या हुआ देश की जनता ने टॉप टू में इनको ही लाके रखा है? विमेन चीटर और विमेन बीटर को। आई थिंक कलयुग का जमाना है और कलयुग की जो चीजें हैं वो फेमस हो रही हैं,
और एक इतनी उम्दा कलाकार हमारे भारत की अंकिता लोखंडे जी, वो मतलब टॉप फोर में, मतलब टॉप फोर से आउट हो गए, तो मतलब वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर द इंडस्ट्री कि मतलब आजकल जो रियल टैलेंट है उसे लोग पहले ही मतलब बर्खास्त कर देते हैं और वुमेन चीटर और वुमेन बीटर जैसे टैग्स को टॉप टू में ले आते हैं। तो क्या लगता है अंकिता लोखंडे की जो फैन फॉलोइंग थी, पवित्र रिश्ता हर कोई घर में देखता है टेलीविजन शो, क्या कहीं ना कहीं अब टैक्टिक्स चेंज करना होगा क्या ये, क्या क्योंकि ये ऑनलाइन वोटिंग जो है कुछ गड़बड़ हो चुका है। भी प्रियंका जीते जीते हार गई, जो कि शी प्लेड विद डिग्निटी क्लास और एक वो होते ना कि टैलेंटेड जो लोग होते हैं इंडस्ट्री के, टीवी इंडस्ट्री के लोग, उनको ना जिता के एमसी स्टैंड जीत गए थे पिछली बार भी, जो कि अभी मैंने उनका अभी रिसेंटली मैंने कहीं पर देखा था कि उनकी गाड़ी कहीं पर टकरा गई थी तो वो लोगों को माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि कहीं से भी हमारी यूथ को इंस्पायर करने की चीज़ें हैं और इसी बार भी वही हुआ। अंकिता लोखंडे जी मतलब जो इतनी उम्दा कलाकार है, मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी बिग बॉस में एंड शी वॉज सो 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 गुड इन द फिनाले परफॉर्मेंस एंड बट स्टिल आपको पता ही है फिनाले में कौन लोग थे, तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है देश की जनता को आजकल ऐसे ही लोग पसंद आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो घर की जो महिला होती है क्या वो वोट नहीं कर पाती, क्योंकि ये इंटरनेट का जमाना है, शायद माइट बी दे डोंट हैव अ फोन। एग्जैक्टली हो सकता है बिकॉज लाइक पीपल राइट नाउ दीज डेज दे फॉलो सोशल मीडिया टू मच, दे आर नॉट इन टच विद सीरियल्स और मूवीज। तो मुझे लगता है कि अंकिता जी को भी कुछ एक दो हरकतें ऐसी करनी पड़ेंगी ताकि अगली बार ऐसा ना हो उनके साथ। क्या आपको लगता है कलर्स ने कुछ फिक्स कर दिया हो? ऐसी खबरें आ रही कि मुनावर फारूकी पहले से ही फिक्स विनर थे, उन्होंने एंडमॉल के कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिख के आए थे कि उनके ही फिक्स होना चाहिए। ये क्या? तो अंकिता के लिए भी बातें हो रही थी कि अंकिता जो विनर है वो फिक्स है, बट ऐसा हो नहीं पाया। सो मुझे लगता है वो जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो चुके हैं, बट मेरे को लग रहा था कि अंकिता और मुनावर टॉप टू में होंगे, टॉप टू में। लेकिन क्या कहना चाहिए, मनारा चोपड़ा टॉप थ्री में आ गई, आप कैसे देखते हैं? बहुत ही अलग हो गया था वो तो सीन और बहुत शॉकिंग रिएक्शन था आई थिंक पूरे देश की जनता का, बिकॉज कहीं से भी जो मनारा थी वो अंकिता से ऊपर तो नहीं लग रही थी ना वो गेम में, और आई थिंक जो वोटिंग के भी जो हमें देखने को मिल रहे थे वोटिंग लाइंस में भी, तो मनारा उनसे ऊपर बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो अचानक से एंड में क्या हो गया गॉड नोज एंड कलर्स नोज बेटर। ओके, आखिरी सवाल है, मुनावर की जो फैन फॉलोइंग थी डोंगरी में, आपने देखा होगा विजुअल हर जगह इतनी फैंस थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुडोस टू मुनावर एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू बिकॉज यू हैव सच अ ग्रेट फैन बेस, तो कहीं ना कहीं आप दिल से लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ, चाहे वुमनाइजर का टैग लगे चाहे वुमन चीटर का टैग लगे, बट स्टिल आई थिंक यू आर इन पीपल्स हार्ट एंड दैट मैटर्स मोर। लोगों की जनता का जो दिल है वो जितना ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, और आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपने जीता और अंकिता उस चीज़ में शायद पीछे छूट गई। एंड अंकिता जी प्लीज़ थोड़ा सा लोगों का दिल भी जीतो, बिकॉज आई एम सो क्लोज टू यू, आई रियली डोंट नो व्हाई। लोगों ने कहा कि वो फेक रही, अंदर नैरेटिव रन कर रही थी, हमने भी बोला रन ऐसा नहीं लगा, मैंने पूरा शो बहुत अच्छे से देखा है। हाँ ये हो सकता है कि वो गेम से ज्यादा अपने पति के अंदर ज्यादा घुस गई थी, करेक्ट करेक्ट। हाँ ये हो सकता है, बिकॉज अगर मान लो मेरी भी एंट्री मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हो रही है, तो ना कि मैं बजाय कि अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में लेके बैठा रहूँ या फिर उसके साथ चुमा चाटी करता रहूँ, मेरा काम बनता है कि मैं पूरे शो को देखूँ, पूरे कंटेस्टेंट्स को देखूँ, सबके पीछे अपना एक नाम बनाऊँ। कहीं ना कहीं वो अपने खुद के और विक्की जैन के अपने एक प्यार प्रेम में, एक हस्बैंड वाइफ का जो एक बॉन्ड होता है उसमें वो खो गई थी कहीं ना कहीं, ये एक पॉइंट है। आई थिंक वो लोगों को बुरा लगा होगा बाहर देखने में कि अंकिता जी सिर्फ अपने पति में ही लगी हुई है, सो आई थिंक इसलिए उनको वोट्स की कमी हुई एंड में। क्या लगता है, विक्की भैया ने भी बहुत अच्छी तरह से खेला, नॉन पर्सनैलिटी, वेरी गुड प्लेयर, नो डाउट, ही प्लेड सो वेल, लेकिन टॉप फाइव में भी मतलब वो नहीं आए, टॉप फोर में नहीं आए, क्या कहना चाहिए? आई थिंक जितना उन्होंने खेला उस हिसाब से वो जितना जहाँ तक उनको आना चाहिए था आ गए। कितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज थी, ऐश्वर्या, नील, और भी काफ़ी बड़े बड़े नाम थे जो मतलब उनसे पहले आउट हो गए, तो आई थिंक उनके लिए तो वही बहुत बड़े अचीवमेंट है कि वो वहाँ तक पहुँचे शो में। क्या लगता है कि ऐसी भी खबरें आ रही है बिग बॉस OTT में विक्की भैया को बुलाया गया है क्योंकि उनकी मास्टर गेम है, क्या कहना चाहिए? वाह, अगर विक्की जैन आ रहे हैं तो OTT वालों को बच के रहना पड़ेगा, बिकॉज यस ही इज अ मास्टर प्लेयर एंड ही प्लेड सो वेल इन द बिग बॉस, तो OTT में तो वो धमाका करेंगे नो डाउट, और अब तो उनका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेटर हो चुका है। ओके, आखिर में दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? आपको इतना प्यार मिलता है इंस्टाग्राम से, आपको कहा जाता है कि इमरान हाशमी 2.0, क्या कहना चाहेंगे ये टैग के लिए? मुझे ये टैग बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बिकॉज
लाइक प्यार देना प्यार बांटना कोई बुरी चीज़ नहीं है, और येस पीपल आर लविंग मी, लोगों को मेरा रोमांस देखने में मज़ा आ रहा है, लोगों को मेरा डांस देखने में मज़ा आ रहा है, फैशन देखने में मज़ा आ रहा है, एंड आई एम सो 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 हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड विद द लव विच ऑडियंस इज गिविंग मी, एंड इसी तरह प्यार देते रहिए गाइज, और आगे हो सकता है मैं आपको इस साल किसी बड़े शोज में देखूँ। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे आज अगर हम बात करें, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, बर्थडे पार्टी है, क्या किस तरह की सेलिब्रेशन हुई है? सी ऑफ कोर्स इट्स एरन्स बर्थडे, और वो जैनब का बेटा है, और आज वो 11 साल का हुआ, तो ऑफ कोर्स मुझे आने था बिकॉज जैनब इज़ वेरी क्लोज टू मी, और इंस्टाग्राम पे आप लोग हमारा धमाका देखते ही रहते हो बैक टू बैक वीडियोज़ के जरिए, सो इट्स काइंड ऑफ अ फैमिली टू मी। ओके, अगर हम बात करें